दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस बीजेपी के बाद अब छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ सुप्रीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजीत जोगी ने कहा कि दंतेवाड़ा उपचुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। दंतेवाड़ा और चित्रकोट दोनों जगह उम्मीदवार उतारेंगे। दंतेवाड़ा के लिए उम्मीदवार तय कर लिया गया, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। 29 अगस्त को चुनाव प्रचार की शुरुआत लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह करेंगे। पारिवारिक कार्यक्रम के बाद मैं भी चुनाव में निकलूंगा। बस्तर संभाग के संरक्षण कोंडल राव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा मुद्दा नक्सलवाद होगा। वहां अधिकांश हिस्सों में माओवादियों की सरकार है। बता दें कि दंतेवाड़ा में 23 सितंबर को वोटिंग और 27 सितंबर को मतगणना होनी है। इसके बाद चित्रकोट विधानसभा में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। देखना यह होगा कि कब तक उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल।